dear students, today we have to start fourth part of the chapter fields and fences. यहाँ पे हमें टू स्क्वेयर दिए हुए हैं, ओके, स्क्वेयर डी एंड स्क्वेयर ई. ओके, फर्स्ट है फाइंड द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ स्क्वेयर डी. ये स्क्वेयर डी की बाउंड्री की लेंथ हमें पता करनी है, तो हम क्या करते हैं कि जितनी भी बाउंड्री है उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, उसका एडिशन करते हैं. ये है 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, कितना हो गया 10, एंड 10 प्लस 5 15 15 प्लस 5 कितने हो गए 20. द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ स्क्वेयर डी इज इक्वल टू 5 प्लस 5 प्लस 5 इज इक्वल टू कितना 20 सेंटीमीटर. ऐसे आपको लिखना है. फिर बी, 8 स्क्वेयर्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर आर कट आउट ऑफ द स्क्वेयर डी. नाउ इट लुक्स लाइक शेप ई. व्हाट इज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ शेप ई. फिर ये शेप डी को 1 1 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर के स्क्वेयर कट किए, तो ये शेप डी किस तरह से बना, ऐसा बना. यहाँ से कट किया, फिर यहाँ से ये इस तरह से कट किया, तो ये वाला जो स्क्वेयर सी है, ये डी, इस स्क्वेयर डी है, उसकी इमेज ऐसे दिखी. तो इसकी हमें बाउंड्री फाइंड आउट करनी है. व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ शेप ई. इसकी लेंथ तो 1 1 सेंटीमीटर के यहाँ से कट कर दिया है स्क्वेयर, तो यहाँ से हम बाउंड्री लिखते हैं 1 1 1, ये सब 1 1 सेंटीमीटर होगा. ओके, तो हम यहाँ पे 1 1 लिखते हैं. सबको पहले लिख लेंगे, फिर मेज़र करेंगे कितनी आती है इसकी बाउंड्री. 1 1 1 1 1 1 1 1 और 1. अब इसकी बाउंड्री लेंथ पता करनी है, तो हम लोग क्या कर लिखेंगे, लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ शेप ई इज इक्वल टू, पहले हम लिखेंगे लेंथ, द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ शेप डी, लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ शेप डी, शेप डी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, कितने हो गए 20 सेंटीमीटर, जो है वो शेप डी की बाउंड्री थी. फिर हमें शेप डी को कट किया था 1 1 सेंटीमीटर में, तो शेप डी का शेप डी था वो ई में कन्वर्ट हो गया था. ई में 1 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे स्क्वायर कट किए थे उसमें से, तो अब हमें स्क्वायर ई की लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ शेप ई, शेप ई की बाउंड्री पता करनी है. तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ शेप ई, शेप ई, शेप ई की बाउंड्री हमें पता करनी है, तो हम उसको स्क्वेयर नहीं है, उसके कट कट करके हुए, तो कितने सारे 1 1 सेंटीमीटर के ब्लॉक बने हैं, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, सम ऑफ लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ शेप, सम ऑफ लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ शेप. शेप का ईच साइड हमें सम करना है, उसका एडिशन करना है, तो कितने आते हैं, सम ऑफ लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ शेप. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 and 36 सेंटीमीटर. ये 1 1 सेंटीमीटर के है ना ये ब्लॉक, तो 36 सेंटीमीटर जो है इसकी लेंथ ऑफ बाउंड्री है. यहाँ पे लिखें, हाँ लिखेंगे हम 36 सेंटीमीटर. द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ स्क्वेयर शेप डी इज 20 सेंटीमीटर, एंड द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ शेप ई इज 36 सेंटीमीटर. सी, द बाउंड्री ऑफ दिस स्क्वेयर इज, इस स्क्वेयर की बाउंड्री कैसी है, यह है 1 सेंटीमीटर की, और स्क्वायर है इसलिए ऑल साइड्स आर इक्वल,
1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर। ओके, तो कैन वी ऑल्सो से दैट द बाउंड्री इज 4 इंटू 1 सेंटीमीटर? तो हाँ, हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, ये 4 इंटू 1 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 2 3 4 फोर टाइम्स 1 है, 1 सेंटीमीटर है, इसलिए 4 इंटू 1 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ दिस स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर। यस, वी कैन से दैट द बाउंड्री इज 4 इंटू 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे यस वी कैन से दैट द बाउंड्री इज 4 इंटू 1 सेंटीमीटर, और क्वेश्चन मार्क निकल जाएगा। अ हॉकी फील्ड इज 91 मीटर्स 40 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 55 मीटर्स वाइड, हाउ लॉन्ग इज द बाउंड्री ऑफ द फील्ड? हॉकी जहाँ पे खेलते हैं, हॉकी फील्ड, उसकी फील्ड जो है, हॉकी फील्ड जो है 91 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर लॉन्ग थी। लॉन्ग मतलब ऐसी कितनी थी, 91 मीटर 40 सेंटीमीटर, एंड विड्थ उसकी कितनी थी, 55 मीटर। हाउ लॉन्ग इज द बाउंड्री ऑफ द फील्ड? तो यहाँ पर उसकी लेंथ ऑफ द बाउंड्री फाइंड आउट करना है। तो हॉकी फील्ड कैसी है, इस तरह से लॉन्ग एंड वाइड। ओके, तो लॉन्ग कितनी है, 91 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर। तो अपोजिट साइड भी सेम होता है, रेक्टेंगल शेप है, तो यहाँ पे 2 टाइम्स 91 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर, और यहाँ पे 55 वाइड है 55 मीटर। चलो यहाँ पे भी लिख लेते हैं, मीटर 40 सेंटीमीटर और 55 मीटर। अब हमें यहाँ इसकी लेंथ ऑफ द बाउंड्री निकालनी है कि कितना लॉन्ग है ये। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द हॉकी फील्ड, द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द हॉकी फील्ड इज इक्वल टू 2 टाइम्स लेंथ ऑफ फील्ड एंड 2 टाइम्स विड्थ ऑफ फील्ड। तो यहाँ पे लिखे 2 टाइम्स आएगा ना, यहाँ पे 2 टाइम्स, इसलिए 2 टाइम्स लेंथ ऑफ फील्ड प्लस 2 टाइम्स विड्थ ऑफ फील्ड इज इक्वल टू, लेंथ ऑफ फील्ड 2 टाइम्स कितनी है, 91 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर एंड प्लस 2 विड्थ 55 सेंटीमीटर, 55 मीटर। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 9 1 4 0 मल्टीप्लाई बाय 2 2 0 0 2 4 ज़ा 8 2 1 ज़ा 2 एंड 2 9 ज़ा 18। ओके, मीटर एंड सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 182 मीटर एंड 80 सेंटीमीटर प्लस, ये कितना आएगा, 110 मीटर इज इक्वल टू, अब इसका एडिशन करेंगे, एडिशन करेंगे तो 182.80, मतलब यहाँ पे है मीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर है इस साइड का। ओके, तो 182 मीटर एंड यहाँ पे 110 मीटर है, तो यहाँ पे 110। ओके, इसका एडिशन, यहाँ पे 0 0 8 0 2 8 प्लस 1 9 1 प्लस 1 2, तो कितने आए, 292 मीटर 80 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आया आंसर 292 मीटर 80 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द फील्ड इज 292 मीटर एंड 80 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, सो द बाउंड्री ऑफ द हॉकी फील्ड इज 292 मीटर एंड 80 सेंटीमीटर लॉन्ग। उषा एंड वल्सम्मा आर रनिंग अ रेस, उषा इज रनिंग ऑन द इनर सर्कल एंड वल्सम्मा इज रनिंग ऑन द आउटर सर्कल। यहाँ पे रनिंग कॉम्पिटिशन है, तो उषा और वल्सम्मा आर रनिंग रेस रन कर रहे हैं,
तो उषा रनिंग ऑन इनर सर्कल, ये उषा है जो अंदर वाला सर्कल है यहाँ पे इनर सर्कल पे रन कर रही है, एंड वल्सम्मा इज रनिंग ऑन द आउटर सर्कल, यहाँ पे दो सर्कल है, यहाँ से देखिए बाउंड्री, ये एक सर्कल है ये दूसरा, तो उषा इनर सर्कल पे रन कर रही है एंड वल्सम्मा आउटर सर्कल पे। वल्सम्मा रन्स फास्टर देन उषा बट स्टिल शी लॉसेस द रेस, कैन यू गेस वाई? यह वल्सम्मा जो है वो उषा से फास्ट दौड़ रही है फिर भी वो वहाँ पे पहुँच नहीं पा रही, तो आप गेस कर सकते हैं वाई, बिकॉज इनर सर्कल हैज शॉर्टर, इसकी लेंथ जो है वो कम है आउटर सर्कल से, तो सिंस इनर सर्कल हैज शॉर्टर बाउंड्री देन आउटर सर्कल एंड वल्सम्मा रन्स ऑन द आउटर सर्कल, तो इसकी बाउंड्री ज़्यादा है आउटर सर्कल की और वल्सम्मा कहाँ पे रन कर रही है आउटर सर्कल पे। सो वल्सम्मा हैज़ टू कवर मोर डिस्टेंस बिकॉज ऑफ दिस शी लॉसेस द रेस, तो वल्सम्मा जो है वो हैज़ कवर मोर डिस्टेंस बिकॉज ऑफ दिस शी लॉसेस द रेस, वो उसको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। देन हैव यू सीन एनी रेस वेयर रनर स्टार्ट फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस लाइक इन दिस सर्कल, गेस वाई? यहाँ पे देखिए इस तरह की रेस आपने देखी है, और ऐसे ऐसे रनिंग कॉम्पिटिशन में स्टार्ट द डिफरेंट प्लेसेस लाइक दिस पिक्चर, इस तरह से डिफरेंट प्लेसेस से रन करते हैं, गेस वाई, क्यों ऐसा होता है? यस, आई हैव सीन द रेस वेयर रनर स्टार्ट फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, दिस रेस इज ऑर्गेनाइज इन सर्कुलर ट्रैक, देखिए यहाँ पे सर्कुलर ट्रैक में ऑर्गेनाइज होती है ऐसी रेस, एंड सच अरेंजमेंट इज मेड टू मेक डिस्टेंस इक्वल, ऐसी अरेंजमेंट इस तरह से रखी हुई होती है कि ये जो डिस्टेंस होता है इनर सर्कल का और आउटर सर्कल का वो सेम हो। स्कूल गार्डन, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3 एंड क्लास 4 थॉट ऑफ मेकिंग अ वेजिटेबल गार्डन, दे चूज अ प्लेस विच लुक लाइक दिस, स्टूडेंट क्लास 3 के एंड क्लास 4 के स्टूडेंट ने सोचा कि वेजिटेबल्स गार्डन बनाएंगे, तो उनको प्लेस मिली गार्डन में, देखिए ये है गार्डन 1, फिर पाथ और गार्डन 2, एक स्टैंडर्ड 3rd और स्टैंडर्ड 4 के स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स ऑफ बोथ द क्लासेस थॉट दैट गार्डन 1 वॉज बिगर, सो बोथ वॉन्टेड टू टेक गार्डन 1, सडनली नीतू सेड, स्टूडेंट सभी स्टूडेंट को क्या लग रहा था 3rd और 4th के कि गार्डन ए जो है, यहाँ पे देखिए गार्डन ए जो है ये बड़ा है, इसीलिए सभी गार्डन ए को चूज़ करना चाहते थे, उन सबको यही गार्डन चाहिए था, 3rd को भी, क्लास 3 को और क्लास 4 को दोनों को गार्डन 1 चाहिए था, तो सडनली नीतू क्या कहती है, आई थिंक बोथ गार्डन्स आर इक्वली बिग, कि दोनों गार्डन जो है मुझे लगता है दोनों गार्डन इक्वल है, तो क्वाइट पॉसिबल लेट अस फाइंड आउट इफ़ यू आर राइट, देन ये गर्ल कहती है कि ठीक है देखते हैं कि दोनों को फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा तुम्हारा राइट है कि नहीं, हाउ विल नीतू फाइंड आउट इफ़ द टू गार्डन्स आर इक्वली बिग, तो नीतू कैसे फाइंड आउट करेंगी कि दोनों गार्डन इक्वली इक्वल है कि नहीं, तो गार्डन की बाउंड्री हमें फाइंड आउट करनी है, तो नीतू क्या करेगी, एक रोप लेगी, रोप से गार्डन ए की गार्डन वन की बाउंड्री को मेज़र करेगी ऑल साइड्स से, उसने मेज़र किया, फिर गार्डन टू है उसकी बाउंड्री भी वो रोप से मेज़र करेंगे, एंड देन दोनों रोप को कंपेयर करके देखेंगे तो पता चलेगा हमें गार्डन 1 और गार्डन 2 दोनों सेम है कि नहीं, तो नीतू ने भी वैसे ही किया, रोप लिया, रोप से फिर उसने गार्डन 1 की बाउंड्री मेज़र की एंड गार्डन 2 की बाउंड्री मेज़र की, तो दोनों की बाउंड्री जो है इक्वल आई, नीतू विल प्लेस अ लॉन्ग रोप अलॉन्ग द बाउंड्री ऑफ गार्डन 1 एंड मेज़र द लेंथ ऑफ द बाउंड्री, पहले यहाँ पे रोप रखा गार्डन 1 की बाउंड्री पे और इसको मेज़र किया, अगेन शी विल प्लेस द रोप अलॉन्ग द बाउंड्री ऑफ गार्डन 2 एंड मेज़र इट्स लेंथ, फिर अगेन रोप उसने गार्डन 2 के बाउंड्री पे रखा और उसका लेंथ मेज़र की, आफ्टर कंपेयरिंग शी विल फाइंड दैट द लेंथ ऑफ बाउंड्रीज ऑफ बोथ गार्डन्स आर इक्वल, दोनों को कंपेयर करने के बाद उसको पता चला कि दोनों की बाउंड्री की लेंथ जो है वो इक्वल है। इस तरह से ये दिखने में ऐसा दिख रहा है लॉन्ग है,
लेकिन जब उसने इसको मेज़र किया तो इसकी लेंथ मेज़र की तो उसे पता चला कि दोनों गार्डन सेम है। ये देखिए ये ऐसा लॉन्ग है और ये इस तरह से लॉन्ग है, इसीलिए दोनों गार्डन हैं इक्वल है। तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट फिनिश होता है। वी विल मीट इन द नेक्स्ट पार्ट।